तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फालतू के इंटरव्यू में। और आज हमारे साथ फालतू के इंटरव्यू में है द नवाब ऑफ नवाब्स, द सैप्स ऑफ सेफेस्ट जोन। वेल लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और वेलकम करते हैं इनका। ए हाय यार, अरे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो एक्चुअली खैर तुम आगे बोलो। तो नवाब सर, शुरू किया जाए क्या आज फालतू का इंटरव्यू? हाँ ऑफ कोर्स, क्या तुम वेट कर रहे हो कि मैं दोबारा बाप बनूं तब तुम शुरू करोगे क्या? हे यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और व्हाट, कम ऑन शुरू कर यार। तब से मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी कर यार, सवाल पूछ, फालतू के सवाल पूछना। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में बेबो कैसे आई? How exactly that happened? Oh wow, that's a good question. Actually, ये पता है कैसे हुआ? ये इसके पीछे मेरे दोस्त लोग जिम्मेदार हैं, you know? सारे दोस्त मेरे एकदम बकवास हैं, बिल्कुल फालतू तेरी तरह और मेरी तरह। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, थोड़ा इसको थोड़ा elaborate कीजिए ना। It's okay, मतलब प्लीज एलैबोरेट। वेट वेट, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरे दोस्त लोग कभी भी मेरे किसी बात का जवाब एक बार में नहीं देते थे यार। मैं उनसे कितना भी कुछ पूछता था, दे यूज टू जस्ट बी क्वाइट, और मुझे उनको बोलना पड़ता था, अबे बोलना, क्या अबे बोलना, अबे बोलना, अबे बोलता क्यों नहीं, अबे बे बोलना, बोलना का बो बे, अबे बोलना, बे बो, बे बोलना, बोल बे बो, बे बो, अबे बोल, अबे बे बोल, बे बो, बे बो, कम ऑन, समझ रहे हो? यस एग्जैक्टली, मुझे इतनी बार बे बो, बे बो, बे बो, बे बो बोलना पड़ता था कि फाइनली बेबो मेरी जिंदगी में आ गई। यू नो व्हाट कैन आई डू, ए कोई तो मुझे बचा लो यार। हे वाव, वाव दैट्स ऑसम। वैसे आपका बेटा इब्राहिम बिल्कुल आपकी तरह लगता है, एकदम हूबहू। हाउ? वो मेरी तरह लगता है क्योंकि वो मेरा बेटा है, यू इडियट। अरे तुझे ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आती क्या? अब तो नाराज हो गए यार, ऐसे गुस्सा करोगे तो मेरे को डर लग जाएगा। ओके ओके, मैं नाराज नहीं हो रहा यार, मुझे कभी कभी ऐसे एक्टिंग करने का मजा आ जाता है क्योंकि जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। यू नो एक्चुअली मैं अभी एक स्टूडियो में हूँ और यहाँ पर डबिंग का काम कर रहा हूँ बिकॉज मेरी वॉइस बहुत ज्यादा फेमस है, यू नो। और क्या है ना कि अपने नवाबी शौक को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ए कम ऑन यार, आई एम अ नवाब। ए नवाबी शौक जानता है ना तू, जानता है कि नहीं? Wow! By the way, सभी एक्टर्स कमबैक कर रहे हैं यार, आपका कुछ आइडिया, मतलब क्या करोगे? आपको भी तो कमबैक, आपके टाइम के एक्टर हैं वो लोग कमबैक कर रहे हैं और आप? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि सब लोग कमबैक कर रहे हैं यार। लॉर्ड बॉबी को देख ले, अक्षय कुमार तो कभी गया ही नहीं था, वो क्या कमबैक करेगा। और रही अन्ना की बात, तो अन्ना ने आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से वो मौका निकाल के आ ही जाएगा। रही बात मेरी, ए कम ऑन यार, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, यू नो। और लंबी रेस का घोड़ा कभी थकता नहीं है। वो कभी ना कभी एक हसीना थी, रहना है तेरे दिल में पार्ट टू, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा यार। वैसे भी मेरे पास एक आध डबिंग के प्रोजेक्ट्स है, मैं खुश हूं ना क्योंकि मेरे पास नवाबी पैसे हैं जो तुम लोगों के पास नहीं है। वाव, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब भाई, आपने इतनी मतलब अपना वक्त बिताया हमारे साथ फालतू के इंटरव्यू में, फालतू के सवालों का जवाब दिया। फिर जल्दी आते हैं ना, एक दिन में ज्यादा बात करके मजा नहीं है यार, रोज रोज थोड़ा थोड़ा बात होते रहना चाहिए। इससे क्या है कि जो दोस्ती है वो बरकरार रहती है, वो सॉलिड वाली है कि नहीं? ए जाने से पहले क्या तू मेरे साथ रेस लगाना चाहेगा? क्योंकि याद रख, जिंदगी के रेस में भले तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन दौड़ने वाली रेस में तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकते। एक्चुअली ये डायलॉग नहीं था, डायलॉग वो समथिंग डिफरेंट, बट यू नो आई एम अ नवाब, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। हे मैं जा रहा हूँ, मुझे फिर से बाप बनना है यार, आई एम क्वाइट बिजी मैन। जल्दी मिलेंगे फिर से फालतू के इंटरव्यू में। ओके बाय। वाओ।